हेलो फ्रेंड्स एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ट्वेंटी सिक्स पे और आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं स्वच्छ भारत जो कि आपको पता है कि आपके सिलेबस में मेंशन है स्वच्छ भारत और आपने इसको बी एस सी वन में लिया होगा चाहे आप बी ए कर रहे हो बी कॉम कर रहे हो या बी एस सी आपका कोई भी हो फर्स्ट सेमेस्टर के अगर बच्चे हैं और उन्होंने स्वच्छ भारत को लिया है तो उससे रिलेटेड आज प्रश्न देखेंगे यानी कितना प्रश्न देखना है तो ये आपको बता दें पचास प्रश्नों की ये श्रृंखला चल रही है आपके पास जो कि ऑब्जेक्टिव होगा केवल और केवल ऑब्जेक्टिव होगा और जिस तरह का प्रश्न यहाँ होगा ठीक वैसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो इस वजह से आप इन सीरीज को यानी इस सीरीज के माध्यम से अपना पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर लीजिए इसके अलावा आपको कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं है और इससे आपको ये समझ में आ जाएगा ना कि इससे ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको उत्तर कैसे करना है तो चलिए उन चीज़ों को बिना देरी किए है, समझते हैं और वो प्रश्नों को देखिए और उसका उत्तर देते जाइए जो आपको आए उसको कमेंट में कमेंट करते जाइएगा चलिए पहला नंबर देख लीजिए प्लास्टिक का प्रयोग सबसे पहला नंबर है प्लास्टिक का प्रयोग कम होना चाहिए क्यों इसका ऑप्शन ये है इससे पर्यावरण प्रदूषित होता है ऑप्शन बी है यह स्वच्छता की कारगरता को प्रभावित करता है इस ऑप्शन सी है इससे त्वचा के रोग होता है ऑप्शन डी है इनमें से सभी तो इसका देखिए सही उत्तर होगा पर्यावरण प्रदूषित होता है ये प्लास्टिक के कारण तो इसीलिए ए ऑप्शन इसका सही होगा चलिए अब दूसरे प्रश्न को देखते हैं दूसरा प्रश्न है ऐसी आवश्यक चीज़ें क्या है जिन्हें अपने हाथ धोने के लिए उपयोग करना चाहिए यानी मान लीजिए कि हम सभी जानते हैं कि स्वच्छता के लिए यह नियतांत आवश्यक है कि हमें अपना हाथ धोना चाहिए तो उसमें कौन कौन सी चीज़ों का प्रयोग हम लोग करते हैं हाथ धोने के लिए तो यही प्रश्न आपका है तो ऑप्शन ए है पानी ऑप्शन बी है साबुन या राख या रेत देखिए साबुन हो राख हो या रेत हो ये तमाम चीज़ें उसके बाद सी ऑप्शन है बहता पानी ऑप्शन डी है ए और बी तो देखिए आप जानते होंगे आप अपने हाथ को धोने के लिए क्या यूज करते हैं पानी का यूज़ करते हैं उसके अलावा कभी कभी देखिएगा साबुन का यूज़ कभी कभी क्या रेगुलर आप खाना खाते होंगे तो उससे पहले साबुन का यूज़ करते होंगे राख या रेत का यूज तब होता है ना जब आपके पास साबुन उपलब्ध नहीं होता तो यानी ए और बी सही उत्तर होगा यानी ऑप्शन डी आपका ये सही उत्तर होगा हाथ से मेला ढोना जो हम लोग हाथ से मिला अगर कोई व्यक्ति ढोता है तो वो कैसा कार्य है यही पूछ रहा है तो अमानवीय है या फिर कारक है और फिर बोल रहा है कि गैर कानूनी तथा अपराध वाला कार्य है या इनमें से सभी यानी कोई व्यक्ति हाथ से जो गंदी वस्तु है उसको ढोता है यानी उठा के एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है तो इसको कैसा कार्य माना जाएगा अमानवीय का मतलब होता है ना मानव को जो कार्य नहीं करना चाहिए वैसा या फिर अस्वास्थ्य का मतलब होता है बच्चों जो कि हेल्थ के लिए सबसे लाभदायक ना होकर नुकसानदेह हो तो वो या फिर गैर कानूनी या अपराध वाला कार्य है तो इसका सही उत्तर होगा ना डी तो आप देखिए अगर आप हाथ से मेला ढोइएगा तो वह अमानवीय भी है और अस्वास्थ्य कारक यानी इससे आपका स्वास्थ्य भी ख़राब हो सकता है और ये गैर कानूनी भी है तो इसीलिए ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा चलिए अब अगले प्रश्न को देखिए अब कह रहा है कि भारतीय गाँव में किस प्रकार के शौचालय सबसे उपयुक्त एवं किफायती हैं यानी कि जो शौचालय के प्रकार होते हैं ना बच्चों तो उसमें कौन सा प्रकार है जो कि भारतीय गांव में अगर शौचालय का निर्मित निर्माण किया जाए तो वह उपयुक्त यानी सबसे अच्छा और सबसे टिकाऊ होता है तो या किफायती होता है यही अब आप, 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 आपके पास ऑप्शन है इसके लिए देखिए इको सेनिटी सेनिटेशन शौचालय उसके बाद बी नंबर है पीट शौचालय ऑप्शन सी है सेप्टिक टैंक शौचालय ऑप्शन डी है इनमें से सभी तो आपको एक सही उत्तर चुनना था ठीक है तो इसमें आप देखेंगे कि आपका सही उत्तर है ना पीठ शौचालय यानी कि गांव में जो है ना सबसे किफायती और उपयुक्त यानी कि वहाँ के लिए जरूरी जो शौचालय होता है ना वो पीठ शौचालय होता है तो ये ऑप्शन बी आपका सही है अब आ जाइए सही ढंग से प्रयोग करने पर निम्न में से किससे पानी पीने के लिए सुरक्षित बनाता है यानी कि वह कौन सी विधियाँ हैं जिसमें पानी को सुरक्षित करके पीने योग्य बनाया जा सकता है तो यही पूछ रहा है आपसे तो ऑप्शन ए है उबालना यानी कि पानी को गर्म करके उसको पीने योग्य बनाया जा सकता है या फिर क्लोरीन मिलाना या फिर फिल्टर करना ऑप्शन डी है इनमें से सभी तो देखिए कोई भी पानी है ना तो उसको शुद्ध बनाने के लिए ना तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं उसको अगर आप कोई कहीं का पानी आपको लगे कि अच्छा नहीं है तो उसको उबाल के पीजिए यानी गर्म करके पीजिए तो उससे कम हानि होने वाला है उसमें अगर क्लोरीन मिला दीजिएगा तब भी वह और भी अच्छी बात है फिर उसको फिल्टर करके आप जानते हैं फिल्टर का यूज़ होता है पानी को पीने के लिए पानी को शुद्ध बनाने के लिए तो फिल्टर का यूज करते हैं यानी कि इनमें तीनों तीनों का यूज़ कर सकते हैं यानी है। उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर होगा पाँच नंबर क्वेश्चन का अब देखिए छठा नंबर क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है छठा नंबर क्वेश्चन का रहा है कि पानी के निम्नलिखित में से कौन से स्रोत दूषित हो सकते हैं यानी कि पानी का कौन सा स्रोत जो होता है आप जानते हैं पानी कहाँ कहाँ का स्रोत उसका होता है तो पहला होता है समुद्र में ये पानी पाया जाता है फिर देखिए नदियों में ये पाया जाता है फिर देखिए आपके चापाकल में पाया जाता है फिर आपके कुएँ में पाया जाता है तो ये सभी इसके क्या है पानी हम लोग जहाँ से प्राप्त करते हैं तो ये उसके स्रोत हैं तो ये बोल रहा है कि कौन सा स्रोत इसमें है जो कि दूषित है यानी कि पानी को दूषित कर सकता है वो कौन सा स्रोत है तो पहला ऑप्शन है आपके पास नदी उसके बाद है झील पाइप का जल उसके बाद है ढके हुए या हाथ से खोदे हुए कुएं का जल और इनमें से सभी डी ऑप्शन है आपके पास तो इसका सही होता है ना इनमें से सभी देखिए जब नदी का पानी के बारे में आपको पता होगा कि वह सबसे ज़्यादा अशुद्ध होता है क्योंकि उसमें जो बहते हुए वो पानी आता है ना उसके साथ कई जगह के कूड़े कचरे सभी उसमें प्रवाहित होकर आ जाते हैं झील का पाइप भी वैसा ही है उसमें वो पाइप गंदा है कि नहीं है ये चीज़ बहुत ज़्यादा जरूरी होता है तो झील में ऐसे भी पानियाँ जो होती है ना वह भी वही है दूषित ही होती है और ढके हुए हाथ से खोदे हुए कुएँ का भी यही हाल है चूँकि जब कुआँ हम लोग देखिएगा कोई गांव में होगा तो खुदा हुआ होता है ना तो उसके अंदर का जो फर्श पे पानी होता है ना बच्चों तो उसमें देखिए ऊपर से कोई भी चीज़ आके इंटर कर जाता है यानी नीचे चला जाता है यानी वहाँ पे जाके गंदगी फैला देता है और कुआं में जो पानी होता है ना वो जमा रहता है तो जमा रहने के बाद पानी कहीं भी ज़्यादा दिन तक जमा रहेगा तो वो अच्छा नहीं होगा वो खराब ही होगा तो यह ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा अब चलिए सेवन नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग पीठ शौचालय कुएं से कितने दूरी पर होना चाहिए यानी पीठ शौचालय का निर्माण जो गांव में किया जाता है वो कुएं से कितनी दूरी पर होना चाहिए तो इसका सही आपको उत्तर खोजना है तो कम से कम जो है ये देखिए कम से कम होगा यहाँ कम से कम जो तीन मीटर उसके बाद देखिए कम से कम छः मीटर कर, और इसके बाद तीसरा ऑप्शन जो है ना यहाँ पे इसको ध्यान में रखिए कम से कम यहाँ है ये गलत लिखा गया है तो कम से कम ये है पंद्रह मीटर तो और इनमें से कोई नहीं तो देखिए कोई भी शौचालय अगर मान लीजिए ये आपका कुआं है ना तो शौचालय का निर्माण आप जब भी कराइएगा या देखिएगा होना चाहिए वो कम से कम इससे पंद्रह मीटर की दूरी पर होना चाहिए और एक मीटर कितने फीट के बराबर होता है ये बता सकते हैं आप क्या तो अगर आपको आता है तो बताइएगा ज़रूर या नहीं तो आगे में देखिए हम बता देते हैं थोड़ा देर में उसके बाद है गांव में समुचित स्वच्छता किसकी ज़िम्मेदारी है यानी कि गांव में स्वच्छता किसके लिए आवश्यक है और कौन इसके ऊपर कार्य करे यही चीज़ पूछ रहा है यानी कि आप गांव में रहते हैं तो वहाँ की स्वच्छता किसकी जिम्मेदारी है यही पूछ रहा है तो चलिए अब इसके उत्तर को देखते हैं यानी उसको खोजने का प्रयास करते हैं ए नंबर गाँव के लोग को गाँव और उसके बाद बी नंबर है ग्राम पंचायत को ऑप्शन सी है स्वास्थ्यकर्मी का ऑप्शन डी है इनमें से सभी यहाँ देखिए गांव की समुचित स्वच्छता यानी गांव की स्वच्छता का जिम्मेदारी गांव के लोगों का भी होता है और ग्राम पंचायत जो होती है ना उसकी भी होती है और उसके बाद स्वास्थ्यकर्मी की भी होती है तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा डी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है ये ध्यान रखिएगा अब आ जाइए अगले प्रश्न को देखिए हम लोग अगला प्रश्न नौ नंबर क्वेश्चन है आपको अपने हाथ कब धोना चाहिए यानी कौन सा कार्य ऐसा करते हैं जब आपको अपना हाथ धोने की जरूरत पड़ती है यही चीज़ पूछ रहा है तो पहला ऑप्शन आपके पास है भोजन पकाने या खाने के पूर्व यानी जब भोजन आप खाना प्रारंभ करेंगे या पकाना प्रारंभ करेंगे तो उसके पहले या फिर शौचालय का प्रयोग करने के बाद यानी जब आप शौचालय करके आते हैं तो उसके बाद हाथ धोना चाहिए या फिर सी ऑप्शन कर रहा शौचालय का प्रयोग करने में किसी छोटे बच्चे की मदद करने के बाद यानी देखिए कोई बच्चा जो छोटा बेबी होता है ना वो शौचालय करता है तो उसकी मदद आप करते हैं तब तो अपने हाथ को धोना चाहिए या नहीं यही बोल रहा है और उसके बाद है कि डी नंबर इनमें से सभी तो देखिए आपको अपना भोजन खाने से पहले भी हाथ धोना चाहिए शौचालय का प्रयोग करने के बाद भी और छोटे बच्चे जब शौचालय करते हैं उनको भी मतलब मदद करने के बाद अपना हाथ धोना चाहिए अच्छे से तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ना बच्चों डी नंबर ऑप्शन यानी कि ये डी नंबर इसका सही उत्तर है तो अब आ जाइए अगले सवाल को देखें या अगले प्रश्न को देखने का प्रयास करते हैं हम लोग देखिए कह रहा है कि पेयजल रखने का सबसे सुरक्षित तरीका क्या है यानी कि पेयजल को सबसे अच्छे तरीके से कैसे रखा जा सकता है यही प्रश्न आपसे पूछता है आप देखिए इसका उत्तर सही ढूंढिएगा और थोड़ा दिमाग लगाइएगा तब ये सही उत्तर होगा देखिए ए ऑप्शन कह रहा है कि मीट मिट्टी के जो किसी बर्तन में अगर पेय जल को यानि पीने वाले जल को रखिएगा तो वो ज़्यादा सुरक्षित रहेगा ऑप्शन बी आपके पास है तल के साफ पीपे में रखना यानि कि पीपा का मतलब होता है ना एक बोतल के रूप में ये भी होता है पीपा तो उसमें रखिए या जो कि उसका तल यानी नीचे वाला हिस्सा जो है वो साफ़ हो उसमें आप रख सकते हैं या फिर कह रहा है कि बाल्टी में रखकर इसको स्वच्छ रखा जा सकता है यानी अच्छा रख सकते हैं या फिर ये कह रहा है कि ऐसे कंटेनर में रखना जिसमें ढक्कन टाइट हो गर्दन संकीर्ण हो और टोंटी लगा हो यानी सीधा बात ये बोल रहा है कि एक बोतल के रूप में कोई आकृति वाला कोई बर्तन हो जिसका जिसमें एक ढक्कन लगा हो ऊपर में आप देखते हैं ढक्कन लगा रहता है वो लगा हो और वो टाइट लगा हो और वह साफ हो तो उसी में रखना चाहिए तो ये बोल रहा है तो ये डी ऑप्शन तो ये सही उत्तर इसका होगा डी चूँकि देखिए जब बोतल में ढक्कन लगा रहेगा ना तो उसमें गंदगी नहीं जाएगी तो इसलिए ये आवश्यक है कि उसको बोतल या टोंटी वाले कुछ बर्तन में रखा जाए अब अगले प्रश्न को देखिए ग्रामीण सेनेटरी मार्ट क्या है ये जो ग्रामीण सेनेटरी मार्ट होता है ये क्या है आखिर यही प्रश्न पूछ रहा है ऑप्शन ए है ग्राम पंचायत का सेनेटरी सामग्री प्रकोष्ठ उसके बाद कह रहा है एक ब्लॉक स्तरीय सेनेटरी स्टोर जिसे सरकार द्वारा स्थापित किया गया हो या फिर एक आउटलेट जो ग्रामीण क्षेत्र में सेनेटरी के सामान बेचता है तो और इनमें से सभी डी ऑप्शन कह रहा है तो ग्यारह नंबर का सही उत्तर होगा ना सी नंबर एक आउटलेट जो कि ग्रामीण क्षेत्र में सेनेटरी के सामान को बेचता है ना तो वही होता है ग्रामीण सेनेटरी मार्ट ठीक है अब देखिए बारह नंबर क्वेश्चन है विद्यालय सफाई में शामिल है तो देखिए ये ऑप्शन गलत है और अब देखिए इसका विद्यालय सफाई में आखिर शामिल कौन कौन सी चीज़ होती है ना बच्चों उसको ध्यान में रखिए इसका देखिए यहाँ पे ऑप्शन हम गलत मतलब गलत टाइप हो गया है हम कोशिश तो किए थे सही लेकिन बाद में पता चला कि हम गलत कर दिए हैं और वो सेलेक्ट हो चुका था तो चलिए इसको हम बता देते हैं विद्यालय में जो सफाई रखी जाती है कहाँ कहाँ रखी जाती है तो इसको बताते हैं पहले तो विद्यालय का परिसर यानी कि विद्यालय का जो मैदान होता है आगे का भाग हो उस सबको पहले साफ़ रखा जाता है दूसरा चीज़ है विद्यालय में जो कक्षा होती है ना उसको साफ रखना चाहिए ऑप्शन तीस आपके पास जो तीसरा चीज़ होती है ना विद्यालय में उसमें होता है कि वहाँ की जो शौचालय है ना उसको साफ़ रखना चाहिए तो यानी सीधा मतलब ये हो गया कि विद्यालय के हर एक प्रांगण को साफ सुथरा रखना चाहिए तभी वहाँ पे स्वच्छता रहेगी तो यही इसका सही उत्तर होगा तो ठीक है तो बारह नंबर का मतलब सभी होगा तो इसमें ऑप्शन गलत हो गया है तो इसको ध्यान में रखिएगा आप खाली और अब आ जाइए तेरह नंबर क्वेश्चन विद्यालय में यह व्यवस्था नितांत आवश्यक है यानी कि कौन सी व्यवस्था विद्यालय के लिए ज़रूरी है यही पूछ रहा है आपसे प्रकाश होना चाहिए ऑप्शन बी है गर्म गर्मी होनी चाहिए ऑप्शन सी है हवा होनी चाहिए और ऑप्शन डी है इनमें से तीनों देखिए विद्यालय में जब बच्चा पढ़ता है ना तो वहाँ पर प्रकाश की आवश्यकता होती है यानी कि लाइट की जरूरत होती है अगर लाइट नहीं रहेगा तो वो पढ़ पाएगा क्या नहीं पढ़ पाएगा गर्मी भी जरूरी है चूँकि देखिए बहुत ज़्यादा ठंडा रहेगा तो बच्चा पढ़ ही नहीं पाएगा उसके बाद देखिए हवा होनी चाहिए हवा का मतलब होता है ना बच्चों जो अगर गर्मी अगर वहाँ है तो थोड़ा हवा चलेगा तो उसको राहत मिलेगा तो यानी ये तीनों ही ज़रूरत है तो ऑप्शन डी इसका सही होगा अब आ जाइए चौदह नंबर क्वेश्चन है स्वास्थ्य निर्देशन सेवाओं का उद्देश्य है स्वास्थ्य निर्देशन सेवाओं का क्या उद्देश्य है यही पूछ रहा है उचित भाव विकसित करना अच्छी आदत का विकास करना इनमें से दोनों या इनमें से कोई नहीं यही आपसे कह रहा है ऑप्शन में तो इसका सही उत्तर होता है ना स्वास्थ्य निर्देशित जो सेवाएं होती है ना बच्चों उसका उद्देश्य होता है उचित भाव को विकसित कीजिए और अच्छी आदत का विकास करना दोनों होता है ठीक है तो इसका सी ऑप्शन सही होगा अब आ जाइए अगले प्रश्न को देखिए स्वास्थ्य निर्देशन देने की विधि है यानी कि जो स्वास्थ्य निर्देशन दी जाती है वो कौन सी विधि से दी जाती है ए नंबर है भ्रमण विधि से ऑप्शन बी है प्रदर्शनी विधि से ऑप्शन सी है प्रोत्साहन से ऑप्शन डी है तीनों ये होगा तीनों से ठीक है ऑप्शन डी आपको सही करना है कि ऑप्शन डी यानी स्वास्थ्य निर्देशन देने की विधि कौन है तो भ्रमण प्रदर्शनी और प्रोत्साहन तीनों से दी जाती है अब आ जाइए अगले प्रश्न को देखिए सोलह नंबर क्वेश्चन है शौचालय निर्माण करने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है यानी शौचालय जो निर्मित किया जाता है उसका उद्देश्य आखिर क्या है ये यहाँ पे जब प्रश्न बनाइएगा ना जो आपसे पूछा जाए ना उसको इंडिकेट कीजिएगा तो यहाँ पे उद्देश्य उसका पूछ रहा है तो उद्देश्य पूछ रहा है तो आप खोजिए इसमें कि आखिर क्या हो सकता है सहूलियत प्रदान करने के लिए तो ये तो हो सकता है बट आपको एक चीज़ देखना है कि जो सटीक होगा उसी को चुनिएगा स्टेटस प्राप्त करना यानी स्टेटस इससे प्राप्त होता है ऐसा कुछ नहीं है ये तो नहीं होगा उसके बाद देखिए मलमूत्र से मानव के संपर्क को रोकना और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं तो देखिए सही उत्तर इसका सी यानी मल मूत्र जो होता है ना उससे मानव को उसके संपर्क में जाने से रोकना चूँकि आपको पता है अगर मल मूत्र के संपर्क में मानव जाएगा तो वो बीमार हो जाएगा तो उसको बीमारी से बचने के लिए यह आवश्यक है कि शौचालय का निर्माण किया जाए और उससे लोगों को बचाया जाए तो यही इसका उद्देश्य था और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए इसका निर्माण किया गया है अब आ जाइए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि वह कौन सा मिशन है जिसे जिसमें गांधी जी के चश्मे का लोगो लगा हुआ है यानी कि गांधी जी का जो चश्मा था ना उसका लोगो लगा हुआ हो तो वो कौन सा मिशन था तो यही पूछ रहा आप से. तो है आपसे तो ऑप्शन ए है स्वच्छ भारत मिशन ऑप्शन बी है निर्मल भारत मिशन ऑप्शन सी है संपूर्ण स्वच्छ अभियान ऑप्शन डी है सशक्त भारत अभियान तो इसका सही उत्तर ए है स्वच्छ भारत अभियान में आप देखिएगा गांधी जी का लोगो लगा रहता है आप देखिएगा उसके वेबसाइट में जाइए और गूगल पे मारिएगा ना स्वच्छ भारत मिशन तो उसमें लोग आपको गांधी का चश्मा का आएगा ठीक है तो ये बात ध्यान में रखिएगा अठारह नंबर क्वेश्चन है, है स्वच्छ भारत अभियान जो है वह कब प्रारंभ किया गया ए ऑप्शन है महात्मा गांधी की एक जन्मदिन पर उसके बाद है महात्मा गांधी के एक सौ में जन्म दिवस पर और ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस के एक सौ में जन्म दिवस पर ऑप्शन डी है एक सौ जन्मदिवस जो है सुभाष चंद्र बोस का उस पर तो इसका सही उत्तर जो होने वाला है ना ये एक सौ जन्मदिवस जो था महात्मा जी का यानी महात्मा गांधी का उसी दिन हुआ था और कब इनका जन्म मतलब डेट ऑफ बर्थ महात्मा गांधी का कब था तो दो अक्टूबर दो अक्टूबर 1869 यानी अठारह को इनका जन्म हुआ था किनका तो महात्मा गांधी का तो ये याद रखिएगा आप और यही दो अक्टूबर को हर साल क्या मनाया जाता है स्वच्छ भारत मिशन यानी स्वच्छता अभियान चलाया जाता है भारत में तो ये ध्यान में रखने हैं आपको चलिए अब अगले प्रश्न को देखिए स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा ही की गई ए ऑप्शन है पर्यावरण एवं नव मंत्रालय ऑप्शन बी है शहरी विकास आवास मंत्रालय ऑप्शन सी है शहरी मंत्रालय विकास मंत्रालय ऑप्शन डी है पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय देखिए यहाँ पे पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय है ना इसी को सही कीजिएगा क्योंकि यही जो मंत्रालय है इसी के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन अभियान को शुरू किया गया था अब देखिए बीस नंबर क्वेश्चन है एस बी एम एस बी एम का प्राथमिक लक्षण क्या है लक्ष्य क्या है यानी एस बी एम का प्राथमिक लक्ष्य क्या है यही पूछ रहा है आपसे तो इसको आपको सही देखना होगा ए ऑप्शन है हरित भारत ऑप्शन बी है स्मार्ट इंडिया ऑप्शन सी है स्वच्छ भारत ऑप्शन डी है इनमें से सभी तो देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा तो ये होगा स्वच्छ भारत यानी ए बी एम का मुख्य प्राथमिक उद्देश्य जो है यानी इसी को मुख्य उद्देश्य कहते हैं वह है स्वच्छ भारत यानी भारत को स्वच्छ बनाना ये आपको ध्यान में रखनी है अब आ अगले प्रश्न को देख लें हम लोग इक्कीस नंबर क्वेश्चन का रहा है ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के कार्यात्मक घटकों की संख्या क्या है यानि कि ठोस सबसिस्ट प्रबंधन जो करते हैं हम लोग उसके क्या क्या मतलब कार्यात्मक घटक कौन कौन है उसकी संख्या कितनी है वही पूछ रहा है तो ए ऑप्शन है पाँच ऑप्शन बी तीन ऑप्शन सी है छः ऑप्शन डी है चार तो इसका सही उत्तर जो होने वाला है वह है क्या तो ऑप्शन सी यानी कि छः इसके छः घटक हैं देखिए थोड़ा सा स्पीड हम भले करा रहे हैं लेकिन ये चीज़ जानिए आपका पचास क्वेश्चन है आपको पचास मिनट देना है और हम जानते हैं कि आप थोड़े उभिएगा इस वजह से हम चाहते हैं कि आपका जल्दी से पचास प्रश्न आपका जल्दी से हो जाए ताकि आप इस चीज़ से रियलाइज़ करें कि आपका जो है कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आप इनपुट ले पा रहे हैं आउटपुट आपको मिल पा रहा है हमारे तरफ से जो दिया जा रहा है वो चीज़ आप ग्रहण कर पा रहे हैं तो इस चीज़ को हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से आपके पास मतलब दे दें अब आइए बाईस नंबर क्वेश्चन कर रहा है अपशिष्ट की ताकि ये ये रूप से उच्चारित करने के कितने तरीके होते हैं यानी अपशिष्ट को ये रूप से कितने तरीके से उच्चारित किया जा सकता है यही बाईस नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ऑप्शन ए है पाँच ऑप्शन बी है तीन ऑप्शन सी है दो ऑप्शन डी है छः तो इसका सही उत्तर जो होने वाला है ना वो है क्या बी नंबर ऑप्शन ऑप्शन तीन ये सही होगा यानी तीन अब आ जाइए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग उत्पत्ति के आधार पर ठोस अपशिष्ट के कितने स्रोत हैं यानी जो ठोस अपशिष्ट होता है उसका कितना स्रोत होता है यही पूछ रहा है उत्पत्ति के आधार पर ऑप्शन ए है दस ऑप्शन बी है पाँच ऑप्शन सी है नौ ऑप्शन डी है छ तो इसका सही उत्तर क्या होगा तो ये ऑप्शन सी है यानी नौ ये आप ध्यान रखेंगे अब आ जाइए चौबीस नंबर क्वेश्चन विद्यालय स्वास्थ्य समिति के गठन के सदस्य कौन थे यानी कि सदस्य हैं यानी विद्यालय स्वास्थ्य समिति के गठन के सदस्य हैं कौन कौन अब उसमें ऑप्शन देखिए विद्यालय स्वास्थ्य संयोजक ऑप्शन बी है विद्यालय प्रशासन ऑप्शन सी है प्राचार्य ऑप्शन डी है तीनों तो अब आपको सही उत्तर इसमें चुनना है तो ऑप्शन डी इसका होगा यानी कि प्राचार्य की भी जिम्मेदारी होती है कि विद्यालय में जो हेल्थ जो डिपार्टमेंट है उसको ठीक करना या उसका गठन करना विद्यालय स्वास्थ्य संयोजक यानी हर एक विद्यालय का स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ कोई ना कोई एकेडमी होता है बच्चों उससे उसका फिर विद्यालय प्रशासन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन जो विद्यालय का होता है ना स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन उसकी जिम्मेदारी होती है तो यानी कि ये तीनों की जिम्मेदारी होती है कि वो विद्यालय में जो भी बच्चे हैं उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखे और वहाँ पे स्वस्थ वातावरण का निर्माण करें तो ये ध्यान में आपको रखने हैं अब आ जाइए पंद्रह नंबर नहीं पच्चीस नंबर क्वेश्चन पर लैंडफील कितने प्रकार का होता है लैंडफिल कितने प्रकार का होता है ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है ऑप्शन ए है तीन ऑप्शन बी है दो ऑप्शन सी है पाँच ऑप्शन डी है चार तो इसका सही उत्तर होगा तीन यानी ए नंबर ऑप्शन इसका सही होगा लैंडफिल का तीन प्रकार है कौन कौन है इसके लिए आप वीडियो देखिए वीडियो में हम बता देंगे लेकिन यहाँ ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से चलते हैं अभी हम लोग उसके बाद आ जाइए छब्बीस नंबर बायोमेडिकल कचरा का प्रबंधन थर्मल प्रक्रिया द्वारा प्रा प्रभावी ढंग से किया जा सकता है बायोमेडिकल कचरा का प्रबंधन थर्मल प्रक्रिया द्वारा प्रभावी ढंग से किया जा सकता है तो ऑप्शन ए है सही यानी सत्य जिसको बोलते हैं ऑप्शन बी है असत्य ऑप्शन डी है ए और बी दोनों ऑप्शन सी है ऑप्शन सी है ये भी दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं तो आपको सही उत्तर इसके चुनने थे तो इसका सही होगा सत्य यानी बायोमेडिकल कचरा का प्रबंधन जो है थर्मल प्रक्रिया द्वारा प्रभावी ढंग से किया जाता है तो ये ध्यान में रखिएगा ये सही बात है अब आ जाइए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं सत्ताईस नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा कार्यक्रम स्वच्छ भारत मिशन को पुनः लॉन्च किया गया है यानी कि कौन से कार्यक्रम के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन को पुनः आरंभ किया गया है तो देखिए ऑप्शन ए है संपूर्ण स्वच्छ अभियान यानी कि देखिए स्वच्छ भारत अभियान मिशन जो है उसका ही एक नाम है उसको तो आपको ध्यान में रखना है कि वो कौन सा है जो जिसका पहले नाम क्या था और अभी क्या है एक कदम स्वच्छता की ओर ऑप्शन सी है निर्मल भारत मिशन ऑप्शन डी है कोई नहीं तो ऑप्शन सी निर्मल भारत हम आपको पढ़ाए थे स्वच्छ भारत अभियान का जो पहला लेक्चर था ना जिसमें एस हम पढ़ाए होंगे स्वच्छ भारत अभियान तो उसमें आप देखिएगा हमने बताया था निर्मल भारत को ही बाद में स्वच्छ भारत अभियान के रूप में लॉन्च किया गया तो ये ध्यान में रखिएगा वहीं से ये सवाल था चलिए अगले प्रश्न को देखिए स्वेद ग्रंथियाँ होती हैं यानी श्वेद ग्रंथियाँ क्या होती है ये आपको पूछ रहा है ऑप्शन ए है त्वचा पर ऑप्शन बी है दांतों पर ऑप्शन सी है जीभों पर ऑप्शन डी है तीनों पर ये कहाँ होती है स्वेद ग्रंथि तो इसी के बारे में पूछ रहा था ये त्वचा पर यानी आपकी स्किन पे होती है जो आपके शरीर का स्किन होता है ना उसी पे होती है अब आ जाइए उनतीस नंबर क्वेश्चन यानी ट्वेंटी नाइन नंबर क्वेश्चन क्या है उसको देखिए ठोस अवशिष्ट प्रबंधन के पीछे निम्न में से कौन सा विचार नहीं है यानी ठोस अपशिष्ट का जो सॉलिड जो हम लोग मैनेजमेंट है ना वेस्ट मैनेजमेंट उसके पीछे कौन सा विचार नहीं है यही पूछ रहा है ए नंबर है अपशिष्ट उत्पादन पर नियंत्रण ऑप्शन बी है भंडारण और संग्रहण ऑप्शन डी है निपटान यानी निपटारा उसका और ऑप्शन डी है अपशिष्ट उत्पादन बंद करें तो इसमें से सही उत्तर आपको चुनना था ऑप्शन डी इसका होगा अपशिष्ट उत्पादन का बंद करना यानी कि ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन का मतलब होता है कि जहाँ पे हम लोग ठोस चीज़ों को यानी कि सॉलिड जो वेस्ट है ना उसको हम लोग जहाँ भेजते भे, मतलब फेंकने का कार्य करते हैं ना उसी को बोलते हैं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन ठीक है तो ये बोल रहा है कि कौन सा विचार उससे संबंधित नहीं है तो अपशिष्ट उत्पादन बंद करें ये नहीं है उसमें आप देखिएगा जो ठोस अपशिष्ट होता है ना यानी कि जो ठोस कचरा होता है उसके लिए क्या होना चाहिए उसके लिए होता है कि अपशिष्ट उत्पादन पर नियंत्रण यानी कि जो इसका जो अधिक से अधिक मात्रा में लोग वेस्टेज को कर रहे हैं उसको रोकना उसके बाद होता है भंडारण और संग्रहण यानी कि उसको कहाँ संग्रहित किया जाए उस चीज का व्यवस्था करना ये तो सही बात है ऑप्शन दोनों सही था ऑप्शन सी है इनमें से मतलब निपटाना यह भी होगा तो सही बात है कि भाई ठोस जो अपशिष्ट होता है उसको निपटाना भी होता है उसके बाद ऑप्शन डी कर रहा था अपशिष्ट उत्पादन बंद करना तो यानी कि उसको मतलब उत्पादित करने से बंद करना ये ऑप्शन गलत होगा इस क्वेश्चन के हिसाब से तो ये ध्यान में रखेंगे ऑप्शन अब आ जाइए तीसरा तीस नंबर क्वेश्चन जो है आई एस डब्ल्यू एम शब्द का तात्पर्य क्या है यानी आई एस डब्ल्यू एम को क्या बोलते हैं तो यही आपको पूछ रहा है कि इसका मतलब क्या होता है तो ए नंबर ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय ठोस अवशिष्ट प्रबंधन इसको बोला जाता है या फिर एकीकृत ठोस अवशिष्ट प्रबंधन इसी को बोलते हैं इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ठीक है इंटीग्रेटेड सॉलिड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इंटी ग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इसी को बोला जाता है ठीक है बी नंबर को ऑप्शन सी है एकीकृत एक ठोस अवशिष्ट मिशन और ऑप्शन डी है अंतर्राष्ट्रीय ठोस अवशिष्ट तंत्र तो इसका सही उत्तर भी होगा बच्चों एकीकृत एक ठोस अवशिष्ट प्रबंधन को ही आई डब्ल्यू आई एस डब्ल्यू एम यानी इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यही इसका नाम है इसको याद कर लीजिए आप कि आई एस डब्ल्यू एम का क्या पूरा नाम है अब आ जाइए थर्टी वन क्वेश्चन को देख लें डब्ल्यू एच ओ ने जैव चिकित्सा अवशिष्ट को कितने श्रेणियों में वर्गित किया है यानी कि जैव चिकित्सा अवशिष्ट को कितने श्रेणी में डब्लू एच ओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है ना उसके द्वारा विभाजित किया गया है यही पूछ रहा आप है आपसे ऑप्शन ए है पाँच ऑप्शन बी है चार ऑप्शन सी है तीन ऑप्शन डी है दो तो इसका सही उत्तर जो होगा बी नंबर होगा यानी चार इसका सही उत्तर है तो ये ध्यान रखेंगे आप अब देखिए बत्तीस नंबर क्वेश्चन है आई एस डब्ल्यू एम की अवधारणा के पीछे प्रेरक कौन है यानी कि इसकी अवधारणा के पीछे प्रेरक कौन थे यही पूछ रहा है तो ऑप्शन ए है महात्मा गांधी ऑप्शन बी है नरेंद्र मोदी ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन डी है सरदार पटेल तो देखिए आपसे एस के बारे में भी पूछे ना कि इसके प्रेरक कौन थे यानी कि स्वच्छ भारत अभियान के प्रेरक कौन थे तो यह भी महात्मा गांधी थे और आई यानी कि इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के भी जो मतलब अवधारणा के प्रेरक कौन थे तो ये भी महात्मा गांधी थे तो दोनों का सही उत्तर क्या होगा महात्मा गांधी होगा ये ध्यान में रखिएगा अब आ जाइए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग जुए पढ़ने पढ़ने के लक्षण क्या है यानी पढ़ने नहीं ये पढ़ने के लक्षण क्या है यानी कि कोई भी इंसान है उसके सर में आप देखिए जू पड़ जाता है ये जू उसको बोलते हैं ना जो कि आप देखिए अब मतलब किसी के सर पे वो होता है तो वो आखिर क्या लक्षण है जिसके वजह से ये पड़ता है यानी ये देखिए ये क्वेश्चन इसलिए आपसे पूछा गया ना कि सफाई से रिलेटेड चीज़ें यानी साफ़ सफाई आपको रखना है और आपको पता है कि स्वच्छता अभियान में तो वही चीज़ें हैं तो इसको आपको जानना जरूरी है तो ए ऑप्शन है आपके पास खुजली ऑप्शन बी है बेचैनी ऑप्शन सी है उत्तेजना ऑप्शन डी है इनमें से तीनों तो देखिए इसका सही उत्तर होगा देखिए जब खुजली आपके माथे में होगा ना यानी कि वो खुजलाएगा माथा आपका तब भी जुए पड़ती है उसके बाद बेचैनी यानी कि मछलाहट आपके शरीर के अंदर हो तब भी हो सकता है और फिर देखिए उत्तेजना की वजह से भी होता है यानी सही उत्तर इसका क्या है डी तो ये आपको ध्यान में रखने हैं अब आ जाइए जुओं द्वारा होता है क्या होता है जुओं के अगर आपके सर पे ज़्यादा जू है तो उससे आपको क्या हो सकता है यही चीज़ बोल रहा है तो ये ध्यान में रखिएगा एनीमिया ए ऑप्शन ऑप्शन बी है टाइफाइड ज्वार यानी टाइफाइड का बुखार ऑप्शन सी है दोनों ऑप्शन डी है बाइफस ज्वार तो आपको सही उत्तर चुनना है तो इसका सही उत्तर होगा ना बच्चों दोनों यानी एनीमिया भी हो सकता है और टाइफाइड ज्वार भी हो सकता है किससे आपके अगर मतलब जो सर पे जू हो तो इस वजह से हो सकता है आपको अब आ जाइए थर्टी फाइव नंबर क्वेश्चन शुद्ध जल का लक्षण क्या है यानी शुद्ध जल किसको हम लोग बोलते हैं वो कैसे होता है यही चीज़ पूछ रहा है आपसे ए नंबर है निर्मलता यानी निर्मल कोई चीज़ होगा तो वह शुद्ध जल होगा यानी शुद्ध जल का लक्षण निर्मल होता है ये ध्यान में रखना है पारदर्शी यानी जिसको हम लोग देख सकें ऑप्शन सी है स्वाद रहित तो ऑप्शन डी है ये सभी तो ऑप्शन डी इसका सभी होगा यानी कि देखिए शुद्ध जल आप देखे होंगे जो हम लोग पीते हैं तो उसको देखिएगा ना पानी को एक बाल्टी में रखिए उसको देखिएगा एक तरफ आप बाल्टी में देखिएगा तो पानी जिस बाल्टी में रखा होगा ना उसका नीचे का तल आपको दिखेगा तो वो इसका मतलब क्या हुआ पारदर्शी है जो कि एक तरफ से दूसरी तरफ तक दिख जाता है यानी उधर भी कोई चीज़ रखा है तो वो दिख जा रहा है उसके बाद है निर्मलता ये निर्मलता का मतलब तो शुद्ध होना चाहिए तो यह भी है उसके बाद है क्या कि स्वाद रहित यानी कि जब आप पानी पीजिएगा ना जब तक उसमें अगर नमक मिलाइएगा तो वो नमकीन लगेगा अगर मीठा कोई चीज़ मिला दिएगा तो वो मीठा लगेगा जब तक उसमें कोई चीज मिल चीज़ नहीं मिलाइएगा तो उसके स्वाद का पता नहीं चलेगा तो इसीलिए कहा जाता है कि शुद्ध जल जो होता है वो स्वाद रहित होता है यानी उसमें कोई स्वाद नहीं होता है तो ये ध्यान में रखिएगा इनमें से सभी होगा इसका सही उत्तर अब आ जाइए अगले प्रश्न को समझते हैं हम लोग शुद्ध वायु में कितने प्रतिशत से अधिक जो है पाए जाने वाले गैस हैं यानी कि सबसे यही पूछ रहे हैं ना कि शुद्ध वायु में सबसे ज़्यादा कौन सा गैस पाया जाता है तो ऑप्शन है ए ऑक्सीजन ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन सी है नाइट्रोजन ऑप्शन डी है जलवाष्प और धुल्कन तो आपको सही उत्तर खोजना था कि शुद्ध जो वायु है जो हमारे वातावरण में फैला हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन होता है कितना परसेंट तो सेवेंटी वन परसेंट पाया जाता है नाइट्रोजन हमारे वातावरण में तो ये याद रखना है कि सेवेंटी वन परसेंट हमारे वातावरण में क्या है नाइट्रोजन आपको लगता होगा कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन बहुत कम है जबकि नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है तो ये ध्यान आपको रखने होंगे ठीक है अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं हम लोग अशुद्ध वायु उस वायु को कहते हैं जिसमें यानी जो शुद्ध वायु नहीं है अशुद्ध जिसमें हम लोग सांस भी नहीं ले सकते उसी को अशुद्ध बोलाया जाता है ठीक है तो उसमें क्या चीज़ होता है जिसके कारण उसको अशुद्ध बोला जाता है तो ऑप्शन ए है ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घट जाती है नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं यानी वैसे वायु को जिसमें कि शुद्धता नहीं हो यानी वो अशुद्ध है तो वो उसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन की मात्रा जिसमें बहुत ज़्यादा यानी कि सेवेंटी वन परसेंट से भी ज़्यादा बढ़ जाएगी ना तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे अशुद्ध वायु यानी कि वो शुद्ध नहीं है जिसको हम लोग सांस के रूप में ले सकें यानी हमारे सांस के रूप में हम लोग क्या लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं यानी ओ को लेते हैं और सी को छोड़ते हैं मतलब बाहर हम लोग सांस की क्रिया के द्वारा छोड़ देते हैं तो हमारे लिए ये आवश्यक है कि हम मतलब हमारे पर्यावरण में ओ टू ज़्यादा हो यानी ऑक्सीजन ज़्यादा हो लेकिन है क्या नाइट्रोजन ज़्यादा है लेकिन यही नाइट्रोजन की जब संख्या ज़्यादा यानी कि ये ज़्यादा मात्रा में हो जाएगा तो हमें क्या दिक्कत होगी तब हमें क्या होगी कि हम लोग सांस नहीं ले पाएंगे और हमारा वातावरण जो होगा क्या होगा प्रदूषित हो जाएगा और वायु भी तो ये ध्यान में रखना है अब कह रहा है कि अशुद्ध वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है यानी कितना परसेंट ऑक्सीजन अशुद्ध वायु में पाया जाता है तो ऑप्शन ए है बीस परसेंट ऑप्शन बी है बीस पॉइंट नौ छः उसके बाद ऑप्शन सी है सोलह पॉइंट फाइव परसेंट ऑप्शन डी है सोलह पॉइंट तीन परसेंट तो देखिए अशुद्ध जो वायु होता है ना जो कि प्रदूषित वायु है उसमें सोलह पॉइंट नौ पर ये पाँच परसेंट पाया जाता है क्या ऑक्सीजन तो ये ध्यान रखने आपको वायु में किस गैस को की अधिकता के कारण प्रदूषण होता है यानी कि वायु में कौन सा गैस सबसे ज़्यादा होता है जिसके कारण क्या होता है कि वायु प्रदूषित हो जाता है तो ऑप्शन ए है नाइट्रोजन ऑप्शन बी है ऑक्सीजन ऑप्शन सी है धूलकर ऑप्शन डी है मोनोऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड यानी सी ओ जिसको बोलते हैं ना कार्बन मोनोऑक्साइड तो ये इसकी अगर मात्रा सबसे ज़्यादा होगी ना तो ये जो वायु होता है ना वो सबसे ज़्यादा ये प्रदूषित होगा लेकिन आप एक बात और ध्यान रखिए ऑक्सीजन को छोड़ के आपके पास जितने भी ऑप्शन हैं देख लीजिए ये नाइट्रोजन हो या धुल्कन हो अगर ये दोनों भी बढ़ जाएगा ना नाइट्रोजन और धुल्कन तब भी वायु हमारा क्या होगा प्रदूषित हो जाएगा लेकिन यही ऑक्सीजन बढ़ा रहेगा तो ये प्रदूषण कम करता है तो ये बात ध्यान रखिएगा और ये स्वच्छ होता है तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है अब आ जाइए फोर्टी नंबर क्वेश्चन को देखते हैं व्यक्तिगत स्वच्छता महत्वपूर्ण है क्यों यानी कि व्यक्तिगत स्वच्छता किस लिए महत्वपूर्ण है हमारे लिए क्यों जरूरी है कि हम लोग एक एक व्यक्ति अपने आप को स्वच्छ रखें स्वस्थ रखें तो इसके लिए जरूरी है ए ऑप्शन है स्वस्थ जीवन हेतु यानी हम लोग अच्छे से रह सकें हेल्दी रह सकें इसलिए जरूरी है या फिर स्वस्थ आदतों हेतु ऑप्शन डी है दोनों यानी स्वस्थ जीवन और स्वस्थ आदत दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं तो आपको सही उत्तर इसमें चुनना था तो ये दोनों होगा यानी हम लोगों को अगर स्वस्थ रहना है हमारे आदतें अच्छी हो तो इसके लिए यह आवश्यक है कि हम लोग स्वच्छ रहें यानी स्वच्छता हमारे लिए जरूरी है आज ये इकतालीस नंबर क्वेश्चन है दूषित जल द्वारा रोग होता है यानी कि दूषित जल जो होता है यानी जो गंदा जल है वो कौन सा रोग को जन्म देता है तो ऑप्शन ए है का, ऑप्शन बी है मोती झारा ऑप्शन सी है अतिसार ऑप्शन डी है इनमें से सभी तो आपको सही उत्तर चुनना था ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी यानी कि देखिए दूषित जल से हमें विषुचिका भी होती है मोती झारा भी होती है अतिसार जैसी रोग भी होती है अतिसार का मतलब जो होता है ना अति अत्यधिक मतलब जब आप देखिएगा कि किसी को दस्त होने लगता है तो उसी को अतिसार बोला जाता है अब आ जाइए बयालीस नंबर क्वेश्चन है भारत किस तारीख को विश्व शौचालय दिवस मनाता है ये देखिए स्वच्छता से रिलेटेड है इसलिए हम इसको रखें कि भारत किस दिन क्या विश्व शौचालय दिवस के रूप में मनाता है तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि ऑप्शन इसके पास आपके लिए है उन्नीस नवंबर ऑप्शन बी है पंद्रह सितंबर ऑप्शन सी है पच्चीस जुलाई ऑप्शन डी है सात जुलाई तो इसके लिए सही ऑप्शन है बी यानी पच्चीस सितंबर को हम लोग भारत में क्या मनाते हैं विश्व शौचालय दिवस ये याद रखना है आपको अब आ जाइए अगले प्रश्न के पीछे फोर्टी थ्री क्वेश्चन नंबर जो है इसमें क्या बोल रहा है पेड़ों की पत्तियाँ किस अपशिष्ट के अंतर्गत आती है यानी कौन सा वो अपशिष्ट कहलाएगा यानी पेड़ अब मान लीजिए कोई ये पेड़ है और इस पर जो पश्च पत्ती लगी होती है जो आप देखिएगा नीचे ज़मीन पे फर्श पे गिरती है तो ये पत्तियाँ ये किस प्रकार के अवशिष्ट के रूप में जानी जाती है तो देखिए पेड़ से जो पत्ती गिरती है ना बच्चों वो क्या होता है कि धीरे धीरे वो गल जाता है यानी सड़ जाता है तो वो एक तरह से अच्छा ही होता है ठीक है लेकिन ये पूछ रहा है कि कौन तरह का ये माना जाता है अवशिष्ट तो देखिए ए नंबर है पादप अपशिष्ट ऑप्शन बी है पशु अपशिष्ट ऑप्शन सी है प्लास्टिक अपशिष्ट ऑप्शन डी है चिकित्सा अपशिष्ट तो आपको सही उत्तर चुनना था ए ऑप्शन इसका सही होगा इसको क्या बोलते हैं पादप अपशिष्ट के रूप में पेड़ों की पत्तियाँ आती है ठीक है अब आ जाइए चौवालीस नंबर क्वेश्चन है निम्न अपशिष्ट का पुनः चक्रण संभव नहीं है कौन सा अपशिष्ट है जिसका पुनः चक्रण यानी संभव नहीं है यही आपसे बोल रहा है तो इसमें देखिए ए ऑप्शन कर रहा है कि प्लास्टिक चक्रण का मतलब क्या होता है जानते हैं कि मान लीजिए प्लास्टिक है तो इसका फिर से कोई चीज़ बना लें ऐसा हो सकता है एक प्लास्टिक का एक चदरा है मान लीजिए तो मतलब एक प्लेट है एक तरह से इसका कुछ बना सकते हैं अलग तो वो भी आप जानते हैं कि बना सकते हैं फिर उसका बना सकते हैं फिर उससे नई चीज़ें बना सकते हैं तो ये हो सकता है प्लास्टिक से लेकिन जिससे नहीं होगा उसी चीज़ को चुनना है आपको दूसरा है कागज़ का ऑप्शन सी है बजरी का ऑप्शन डी है शीशा का देखिए इसमें बजरी सही होगा यानी बजरी का पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता है यानी बजरी का मतलब क्या होता है जानते हैं वो छोटा छोटा जो कंक्रीट टाइप का होता है ना वही चीज़ उसका पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता बाकी सबका किया जा सकता है उसके बाद आ जाइए फोर्टी फाइव नंबर क्वेश्चन है हाइजिया हाइजिया जो होता है किस भाषा का शब्द है हाइजिया किस भाषा का शब्द है यही पूछ रहा है ऑप्शन ए है रोमन ऑप्शन बी है ग्रीक ऑप्शन सी है तुर्की ऑप्शन डी है अरबी तो आपको एक ऑप्शन इसमें चुनना था कि किस भाषा का शब्द है तो हाइजिया जो है ग्रीक भाषा का शब्द था किस भाषा का तो ग्रीक भाषा याद रखना आपको ग्रीक भाषा का ये शब्द है अब आ जाइए फोर्टी सिक्स नंबर क्वेश्चन जो कि आप जानते हैं पचास नंबर का ये जो आपका श्रृंखला चल रहा है इसका अब अंतिम कड़ी है पाँच प्रश्न यहाँ से अब है तो उसको देखिए अशुद्ध वायु में कार्बन डाइऑक्साइड यानी सी ओ टू की मात्रा कितनी होती है जो अशुद्ध वायु है उसमें सी ओ टू की मात्रा क्या होती है जीरो पॉइंट थ्री परसेंट ऑप्शन बी है थ्री पॉइंट थ्री जीरो थ्री परसेंट ऑप्शन सी है वन पॉइंट फोर परसेंट ऑप्शन डी है वन पॉइंट थ्री परसेंट तो आपको सही उत्तर इसके चुनने थे तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों बी नंबर यानी कि थ्री पॉइंट जीरो थ्री परसेंट जो है अशुद्ध वायु जो होता है उसमें किस किस संख्या होती है यानी मात्रा होती है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड यानी सी की मात्रा होती है जीवन के लिए आवश्यक गैस है यानी हमारे जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस कौन सा है वही चुनना है आपको ऑक्सीजन जिसको ओ बोलते हैं फिर कार्बन डाइऑक्साइड जिसको सी बोलते हैं या नाइट्रोजन या इनमें से तीनों आवश्यक हैं तो ये आपसे बोला है तो देखिए जीवन के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक कौन है तो ओ यानी ऑक्सीजन हम लोग बोले कि हम लोग जब सांस लेते हैं तो ओ को लेते हैं और जब हम लोग छोड़ते हैं सांस को तो हम लोग सी को छोड़ते हैं तो हमारे लिए आवश्यक क्या है ओ हमको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मिले यानी ऑक्सीजन तो ये ध्यान में रखना है आपको अब आ जाइए अगले प्रश्न को हम लोग देख लें 48 क्वेश्चन नाइट्रोजन का नाइट्रोजन एक गैस है कैसा गैस है ए ऑप्शन है सक्रिय ऑप्शन बी है निष्क्रिय ऑप्शन डी है, है, है दोनों ऑप्शन मतलब सी है दोनों ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं देखिए नाइट्रोजन दोनों नहीं है ये बात तो आप ध्यान रख लीजिएगा तो उसमें आप याद रखिएगा कि ये निष्क्रिय गैस है नोबल गैस इसको बोलते हैं नोडल गैस उसी में ये आता है तो इसमें कौन कौन आता है तो इसको आप जानते होंगे नहीं जानते हैं तो आप एक बार जानने की भी आवश्यकता नहीं है उतनी लेकिन अगर आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो वहाँ के लिए है तो यहाँ आप ज़्यादा दिमाग मत लगाइए जो जरूरी है उसको देखिए चलिए फोर्टी नाइन क्वेश्चन है, है वस्तुओं के जलने से उत्पन्न होती है वस्तुओं को जब जलाते हैं हम लोग कोई भी वस्तु है मान लीजिए उसको जलाए तो क्या उत्पन्न होती है इससे आप जानते होंगे या नहीं जानते तो देखिए ऑक्सीजन उत्पन्न होती है ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन सी है नाइट्रोजन ऑप्शन डी है ओजोन तो इसमें सही उत्तर आपको चुनना था कि इसमें जो है ना जब हम लोग कोई भी चीज़ को जलाते हैं ना तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता सी ओ टू तो ये हो गया बी नंबर ऑप्शन इसीलिए बोला जाता है ना कि ज़्यादा चीज़ों को नहीं जलाइए यानी कोई ऐसा चीज़ ज़्यादा नहीं जलाना चाहिए जिससे कि ज़्यादा क्षति हो अब आ जाइए पचास नंबर क्वेश्चन जो कि इस सेशन का अंतिम है आज का वायु के दूषित होने के क्या कारण है यह पूछ रहा है श्वसन क्रिया ए ऑप्शन ऑप्शन बी है विभिन्न पदार्थों का जलना ऑप्शन सी है व्यावसायिक अशुद्धियाँ ऑप्शन डी है इनमें से सभी तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी यानी देखिए जो वायु प्रदूषित होता है उसका मुख्य कारण क्या है जानते हैं हम लोग श्वसन क्रिया जो करते हैं उसमें भी उसके प्रदूषण को प्रभावित होता है जैसे कि हम लोग श्वसन की क्रिया करते हैं तो ओ लेते हैं और सी छोड़ते हैं तो वह भी एक तरह से क्या हुआ सी जो हमारे शरीर के बाहर निकलता है तो वह वा भी वायु को क्या करता है प्रदूषित करता है यानी सी हमारे लिए तो ज़रूरी है नहीं उसके बाद देखिए विभिन्न भी पदार्थों का जलना यानी कि कोई को भी चीज़ को हम लोग जलाते हैं तो उससे भी जो धुआं निकलता तो वह भी तो वायु को प्रदूषित करता है उसके बाद है व्यावसायिक अशुद्धियाँ यानी कि व्यवसाय उद्योग धंधे इस समय जो चिमनी के भट्टे लगे रहते हैं या फिर जो भट्टे होते हैं वहाँ से जो धुआं निकलता है तो वह अभी क्या करता है वायु को प्रदूषित करने का कार्य करता है यानी इनमें से सभी इसका सही उत्तर होगा तो चलिए आज हमने प्रयास किया है बच्चों ये देखिए हमारा सेशन कैसा लगा आप जरूर बताइएगा कि अच्छा लगा या नहीं लगा चूँकि हम कोशिश में हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम समय में सारी चीज़ें दे दें ताकि आप कहीं इधर उधर ना भटक के आप आराम से अपनी तैयारी करें और आप निश्चिंत होकर करें तो ये हम प्रयास में रहे हैं और यही चीज़ को कर भी रहे हैं अगर वीडियो अच्छा लगा हो ना तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों में और कमेंट में ये बात ज़रूर बताइएगा कि आपका 50 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ ये चीज़ ज़रूर आप बता देंगे और उसके अलावा अगर आप नए होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही फिर मिलेंगे अगले वीडियो में तब तो तक के लिए धन्यवाद